हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया एक बहुत जनरल टर्म है, जैसे हम बोलते हैं कि बुखार, फीवर। फीवर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस। तो इसी तरह से एलोपेशिया मीन्स लॉस ऑफ हेयर। अब वो किस प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है, आइए इस वीडियो में कुछ नज़र डालते हैं उन बातों पर। मैं डॉक्टर सुरुचि पुरी, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। तो एलोपेशिया का मतलब लॉस ऑफ हेयर। अब हेयर यानी जड़ से अगर खत्म हो रहा है या वहां पे सिर्फ उसका शाफ्ट ही जा रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, द टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। वन इज सिकेट्रिशल और स्कारिंग एलोपेशिया, यानी उसकी रूट खत्म हो गई तो वापसी का चांस नहीं है। एक होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, जिसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसका कॉमनेस्ट टाइप होता है पैटर्न बॉल्डनेस यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसके बारे में मैं कई वीडियोज में बताती रहती हूँ। अ टॉपिक वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज एलोपेशिया एरियाटा, यानी विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें गोल पैचेस बन जाते हैं बालों में, और आमतौर पे लोग उसे कहते हैं बालों में कीड़ा लग जाना। और अनदर इम्पॉर्टेंट कॉमनली सीन हेयर लॉस कंडीशन इन विच द रूट्स आर प्रिजर्व इज ट्राइकोटिलोमेनिया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस करते करते वो बाल को प्लक करते रहते हैं। कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो बाल को प्लक कर रहे हैं, और बाल की रूट्स इनिशियली प्रिजर्व होती है, बट अगर ये क्रॉनिक स्टेज में चला जाए तो वो परमानेंट एलोपेशिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। देन कुछ एलोपेशियाज जो होते हैं केमिकल डैमेज की वजह से होते हैं, और कुछ हीट डैमेज की वजह से एलोपेशियाज होते हैं। फिर ये जो जनरली जो है ये नॉन स्कारिंग एलोपेशियाज की कैटेगरी है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक डिफरेंट टाइप ऑफ एलोपेशिया है, इन द सेंस कि वैसे ये नॉन स्कारिंग यानी नॉन सिकेट्रिशल एलोपेशिया में काउंट होता है, बट देखा जाए तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो हॉर्मोन्स, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल की वजह से बाल की जड़ को लगातार एक प्रेशर बना हुआ है, इन्फ्लेमेशन बनी हुई है। इनिशियली वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है, रोकी जा सकती है, और लेटर ऑन एक ऐसी स्टेज आ सकती है कि इन्फ्लेमेशन ने बाल की जड़ को ख़त्म कर दिया, विच इज़ नोन एज फाइब्रोसिस। तो उस टाइम पे बाल बचाना डिफिकल्ट हो सकता है या इम्पॉसिबल भी हो सकता है विद मेडिकल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स सर्जरीज एंड अदर ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज, हेयर रिप्लेसमेंट्स आर ऑलवेज एन ऑप्शन। तो अब हम यही हम नॉन सिकेट्रिशल एलोपेशियाज की ही अगर बात करते जाएं, तो और कॉजेज जैसे केमिकल डैमेज, हीट डैमेज, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, ट्राइकोटिनोमेनिया, देन ड्रग इंड्यूस्ड एलोपेशियाज, जैसे हम कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ एंटी कैंसर मेडिकेशंस हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मीथोट्रेक्सेट चलती है, या कुछ लंबे समय तक आपने एंटी मलेरियल्स लिए हैं या स्टीरोइड्स लिए हैं, तो उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो ड्रग इंड्यूस्ड हेयर लॉस के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन ट्रैक्शन एलोपेशिया, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एलोपेशिया जिसमें दाढ़ी खींचने पे लोग जैसे सिख पॉपुलेशन में वो टाई करते हैं टाइटली, तो वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, दैट इज़ नोन एज ट्रैक्शन एलोपेशिया। फिर कुछ रेसेस ऐसी हैं जो टाइट ब्रीडिंग करते हैं, टाइट चोटियाँ बांधते हैं, तो उसमें भी हेयर लॉस इरिवर्सिबल हो सकता है, बिकॉज यू आर डैमेजिंग दी हेयर रूट्स बाई ट्विस्टिंग दैम, एंड आप एक बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर बना रहे हो, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी लेटर ऑन परमानेंट एलोपेशिया में जा सकता है। फिर कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे फॉलिकुलाइटिस, डीकैल्वेंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्कारिंग क्रिएट हो सकती है और हेयर रूट कम्प्लीटली डैमेज हो सकती है। तो हेयर जो एलोपेशिया है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और हमें पूरा अच्छे से उसको समझना है कि कौन सा एलोपेशिया सिर्फ रूट लेवल पे है, कौन सा सिर्फ यही कर रहा है कि टेम्परेरी टीलोजन फेस क्रिएट कर रहा है यानी झड़ने वाले बाल क्रिएट कर रहा है, बट रूट इंटैक्ट है और
और इसलिए बाल बचाया जा सकता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में। उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस यानी रिजल्ट डिस्कस कर सकते हैं पेशेंट के साथ कि हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी रिकवरी हो सकती है, रिवर्सिबल है कि नहीं है, और कितने समय में हम वो रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्लिनिशियन एंड एज अ पेशेंट ऑल्सो। पेशेंट वॉन्ट्स टू नो कि मेरा बाल वापस आएगा कि नहीं, सिर्फ दवा से आएगा या कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा या सर्जिकल में जाना पड़ेगा या मुझे कुछ हेयर रिप्लेसमेंट यानी विग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लिनिशियन यानी डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट जो हेयर में ही काफ़ी समय से काम कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी सलाह लें और टाइमली मैनेज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।